नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में आज से दिखेगा घने कोहरे का असर। पटना सहित सूबे में आज से कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दक्षिण पूर्वी हवाओं के वायुमंडल के निचले सतह पर ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि वायुमंडल में धुंध और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर भागों में आज सुबह से ही कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप दिन में धूप निकल भी रही है, मगर गर्मी का एहसास अब धूप में लोगों को नहीं हो रहा है। हवा बहने की गति में कनकनी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मौसमविदों की माने तो वायुमंडल की निचली सतह पर अभी दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रवाह है और यही कारण है कि ठंड का असर अब बढ़ने लगा है। भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला बिहार में। कृषि कानून को लेकर शुरू हुए विरोध का असर बिहार में भी कई जगहों पर देखने को मिला। बिहार के कई जिलों में जगह जगह पर सड़कों को तो जाम किया ही गया, साथ ही कई जिलों में ट्रेनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। किसान संगठनों के आह्वान पर कृषि कानून के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में बिहार में पूरा विपक्ष समर्थन में उतर गया। राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल समेत विभिन्न संगठनों ने भारत बंद को समर्थन देते हुए अग्रणी भूमिका निभाने का ऐलान पहले ही कर दिया था। इसी बीच बिहार के विभिन्न जिलों में बंद समर्थकों ने ट्रेनों को रोकना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर में तो बंद समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन कर सड़क पर आगजनी करते हुए यातायात रोक दिया। इसके साथ ही राजधानी पटना में कई जगह पर सरकार के पोस्टर भी फाड़े गए। यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी पर राजभवन हुआ सख्त। कोरोना के कारण बिहार के उच्च शिक्षा में उत्पन्न हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए राजभवन में अब अपनी तरफ से पहल शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी को देखते हुए विश्वविद्यालय पर सख्त रुख भी अख्तियार किया गया है, जिसके तहत राजभवन की तरफ से दो टूक नसीहत देते हुए यह साफ कर दिया गया है कि पहले से लंबित सभी परीक्षाओं को मौजूदा सत्र में ही खत्म किया जाए। इसको लेकर राज्यपाल फागू चौहान ने भी अपना निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ किया है कि सभी विश्वविद्यालय इस तरह परीक्षा कैलेंडर बनाए कि पूर्व की लंबित तमाम परीक्षाएं मौजूदा शैक्षिक सत्र में ही ले ली जाए। साथ ही परीक्षा फल भी प्रकाशित कर दिया जाए, जिससे 2021-22 के शैक्षणिक सत्र को आरंभ करने में कोई देरी ना हो। डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए बन रही है किताबें। डीएलएड अभ्यर्थियों को अब किताबें मुहैया करवाई जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अभ्यर्थियों को अब पाठ्यक्रम के अनुसार सारे विषयों की किताबें मिलने वाली हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की तरफ से विषयवार किताबें तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए एक्सपर्ट की टीम का गठन भी किया गया है। टीम द्वारा डीएलएड के 22 विषयों की किताबें भी तैयार की जा रही हैं। परीक्षा में वर्तमान समय में कुल मिलाकर 65 सरकारी डीएलएड कॉलेज चल रहे हैं। इसके साथ ही निजी स्तर पर भी कई डीएलएड कॉलेज हैं। सांसद बनते ही सुशील मोदी ने खाली किया उपमुख्यमंत्री का बंगला। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बीते दिन निर्विरोध राज्यसभा जाने के लिए चयनित हो गए हैं। वहीं सांसद बनते ही उन्होंने बतौर उपमुख्यमंत्री मिले सभी सुविधाओं को छोड़ दिया है। मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा के निर्वाचन के तुरंत बाद उन्होंने अपना सरकारी बंगला 5 देश रत्न खाली कर दिया। यह बंगला बिहार सरकार ने उपमुख्यमंत्री के लिए आवंटित कर रखा है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के बाद सुशील मोदी बतौर उपमुख्यमंत्री इस बंगले में रहने आए थे। हालांकि अब वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं, तो उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया है। जेईई मेन्स परीक्षा का आयोजन हो सकता है फरवरी महीने में। कोरोना ने अपनी चपेट में आम आदमी के साथ साथ हर क्षेत्र को ले लिया है और यही कारण है कि परीक्षा समेत तमाम तरह की योजनाओं के समय में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार अब कोरोना का प्रभाव जेईई मेंस परीक्षा पर भी देखने को मिलने वाला है, जिसके बाद इस परीक्षा के आयोजन की तारीख में बड़ा फेरबदल किया गया है। आमतौर पर अप्रैल मई में होने वाली परीक्षा का आयोजन अगले साल फरवरी महीने में ही हो सकता है। शहर के विभिन्न कोचिंग के एक्सपर्ट ने कहा है कि जेईई मेंस 2021 का आयोजन जनवरी के बजाय फरवरी में किया जा सकता है। बिहार सरकार ने मुखियाओं को दी चेतावनी। बिहार सरकार ने बिहार के सभी मुखियाओं को चेतावनी दी है, जिसके तहत राज्य सरकार ने मुखियाओं और पंचायत सचिवों से कहा है कि 3 दिनों के अंदर अंदर वार्डों को पेयजल योजना के अनुरक्षण अनुदान की 12,000 रुपए की राशि भेज दी जाए। ऐसा नहीं करने पर ग्राम पंचायत को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस बाबत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने भी सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। सरकार के पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों को अनुरक्षण अनुदान के रूप में 2,000 रुपए प्रतिमाह की दर से 2 किश्तों में 12,000 रुपए की दर से 24,000 देना है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे राम दुलारी सिन्हा की। राम दुलारी सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1922 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। राम दुलारी सिन्हा एक राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय सांसद और एक केंद्रीय मंत्री थी। उनका विवाह सीतामढ़ी के डुमरी बिलरी के ठाकुर जुगल किशोर सिंह के साथ हुआ था। वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उपाध्यक्ष चुनी गई थी। मास्टर डिग्री हासिल करने वाली बिहार की पहली महिला थी
और 23 फरवरी 1988 से लेकर 12 फरवरी 1990 तक केरल की राज्यपाल बनने वाली बिहार की पहली महिला को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। बिहार में 8 आईएएस का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने कई सीनियर आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद को जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। आईएएस सुधीर कुमार को बिहार सरकार के राजस्व परिषद में अपर सदस्य विभाग एवं प्रावैधिकी के अपर मुख्य सचिव, ब्रजेश मल्होत्रा को अपर मुख्य सचिव, आईएएस संजीव हंस बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन और एमडी, सारण प्रमंडल के कमिश्नर रोबोट एल चोगुंथू को राज्यपाल का सचिव, तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर पंकज कुमार को सारण प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह का तबादला करते हुए इन्हें विभाग एवं प्रावैधिक विभाग का सचिव और आईएएस अफसर राजेश मीणा को सहकारिता विभाग में सहयोग समिति का निबंधक बनाया गया है। भारत बंद के दौरान तेजस्वी ने किसानों को विरोध पर डटे रहने के लिए किया ट्वीट। आज किसान कानून के विरोध में पूरे देश में बंद का माहौल है। वहीं बंद के आह्वान से पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किसानों को नहीं झुकने का संदेश दिया है, जिसके तहत उन्होंने आज सुबह सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि हम हर संघर्ष में दृढ़ता के साथ अन्नदाता संघ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सरकार पर तंज कसा कि अन्नदाताओं के पिछलगुओं बिना अन्न क्या धन खाओगे। एक अन्य ट्वीट में बिहार को कई मानकों में नीचे रहने पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर किसान के बेटे जवान और किसान खुद झुक गया तो ये देश झुक जाएगा। गया में 71 साल में पहली बार बिना बैंड बाजे के निकाली जाएगी श्रीराम की बारात। गया शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित विष्णुपद मंदिर में कई सालों से श्रीराम विवाह का भव्य आयोजन होता आया है। इस साल भी 18 दिसंबर को भव्य आयोजन की तैयारी का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों की भांति इस बार भव्य आयोजन पर ग्रहण लग गया है और श्रीराम विवाह पर यह ग्रहण किसी और कारण से नहीं बल्कि कोरोना के व्यापक असर के कारण ही लगा है। कोरोना के माहौल में लगातार भव्य समारोह पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और यही कारण है कि इस साल इस कार्यक्रम का आयोजन भी सादे ढंग से ही करवाया जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार कोरोना के कारण इस बार यह भव्य बारात नहीं निकाली जाएगी। बिहार में जल्द ही 442 इंजीनियर की होगी बहाली। बिहार सरकार ने हर नगर निकाय को और भी ज्यादा सुदृढ़ करने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जल्द ही हर एक नगर निकाय की समस्याओं को सुना जाएगा और उसे जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा। इसको लेकर ही बैठक का आयोजन करवाया गया था। आयोजित बैठक में राज्य के सभी नगर निकायों में 442 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति, शीघ्र अतिशीघ्र बहाली करने का निर्णय लिया गया है। अमेजोन के डिलीवरी ऑफिस में बीते दिन हुई भीषण चोरी। बीते दिन पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक चौक स्थित अमेजोन के ऑनलाइन डिलीवरी ऑफिस में भीषण चोरी हुई है। मौके पर चोर 5 लाख लेकर फरार हो गए हैं। चोरों ने इतनी सफाई से चोरी की कि सीसीटीवी भी गायब कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस वाकया को देर रात अंजाम दिया गया। वहीं जिस मकान में चोरी की गई है वहां के मकान मालिक ने भी अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे को भी चोरों ने गायब कर दिया है। चोरों ने ताला तोड़कर 5 लाख कैश ही निकाला है। T20 के आखिरी मैच के लिए सहवाग ने बताई अपनी पसंद। आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। हालांकि आज का मैच भारतीय टीम आराम से खेलती नजर आएगी, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही यह सीरीज अपने नाम दर्ज कर चुकी है। वहीं मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने अपना पसंदीदा गेंदबाज का नाम बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप भारत के पास बहुत मजबूत बॉलिंग लाइनअप है, अगर नटराजन, बुमराह और भुवी के साथ खेलते हैं तो। T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें कोई खिलाड़ी अगर आज कम रन देता है तो कल उसकी धुनाई भी हो सकती है। कंगना रनौत ने किया भारत बंद का विरोध। कंगना रनौत किसानों को लेकर किए गए ट्वीट के कारण पहले से ही चौतरफा घिरी हुई है। वहीं अब कंगना ने अपना हालिया बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट करते हुए भारत बंद का विरोध किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आओ भारत को बंद कर देते हैं। यूं तो तूफानों की कमी नहीं इस नाव को, मगर लाओ कुल्हाड़ी कुछ छेद भी कर देते हैं। रह रह के रोज मरती है हर उम्मीद यहां, देशभक्तों से कहो अपने लिए देश का एक टुकड़ा अब तुम भी मांग लो, आ जाओ सड़कों पे और तुम भी धरना दो, चलो आज यह किस्सा ही खत्म करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बंद के दौरान आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।